उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर सरकारी विरोधी नारेबाजी की और बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को घेरा और जिला अधिकारी को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही भाजपा की सरकार ने पिछले दिनों खाने पीने सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं पर GST लगाकर आटा, दाल, दूध, अस्पताल के कपड़े जैसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों का मूल्य बढ़ाने का कार्य किया है। पहले से ही कमर तोड़ महंगाई की मार झेल रही आम जनता को मोदी जी के इस दमनकारी फैसले ने हिलाकर रख दिया। आम आदमी पार्टी बढ़ती महंगाई पर चुप नहीं बैठेगी, इसको व्यवस्था पर आवाज बुलंद करेगी और गरीब विरोधी सरकार के खिलाफ संघर्ष और तेज करेगी। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि यदि बढ़ती हुई महंगाई को रोकने हेतु कोई ठोस सार्थक कदम सरकार द्वारा अविलंब नहीं उठाया गया तो वृहद स्तर पर आगे भी आंदोलन किया जाएगा। क्या नाम है आपका और आज ये किस तरीके का आप लोगों का धरना? रमजान अब्बास, फिरोजाबाद जिला प्रभारी आम आदमी पार्टी। आज हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और जिस तरीका से कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण जो लगातार भारत के अंदर महंगाई बढ़ रही है, जैसा कि आपको मालूम है खाने पीने की चीज़ों पर GST लगा दी है, तो आम आदमी पार्टी और हमारे प्रतिनिधि मंडल ने आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है DM साहब को और हमारी मांग है कि GST वापस ली जाए और पेट्रोल डीजल पर जो दाम बढ़े हुए उसको वापस लिया जाए। दूसरी तरफ मैं आपको और एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि गुजरात के अंदर जो कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है वहाँ पर शराब बंदी है, लेकिन वहाँ पर 55 लोग नकली शराब के वजह से मृत्यु हो गई है और हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह भैया जी ने जब संसद में मुद्दा उठाया तो उनको भारतीय जनता पार्टी के सारे पर उनको निलंबित कर दिया है। तो अब आम आदमी पार्टी की तरफ जनता देख रही है क्योंकि इनकी तानाशाही से जनता अब उग चुकी है और भ्रष्टाचारी से जनता अब जान चुकी है। जिस तरीका से जुमलेबाजी करते हैं अब जनता आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तरफ देख रही है कि अगर हमारे देश के अंदर अगर कोई भी अगर भला कर सकता है तो वो केजरीवाल है। तो 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और दिल्ली मॉडल पूरे भारत में लागू होगा।